पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 6:55 हुए हैं और सभी लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि 7 बजे अब कोचिंग क्लियर हो गई है, 7 से 8:30, और शाम को चलती है 6 से 7:30। तो चलो, 5 मिनट रह गए, सभी लोग अपने अपने क्लासेस में चलो और पढ़ो। चल गए, एग्जाम की वजह से सुबह इन बच्चों का लर्निंग चलता है कोचिंग में। तो सुनते हैं इनसे, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ही नहीं। बताओ, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप बताओ अनीस, टीथ आर फाउंड इनसाइड अवर, हम आपको ऑप्शन देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, सेकंड है माउथ, थर्ड है ईयर और फोर्थ है नोज। माउथ। वेरी गुड। आप सुनाओ सच्चिदानंद, योर मदर सिस्टर इज योर नंबर फर्स्ट सिबलिंग, नंबर सेकंड आंट, नंबर थर्ड है अंकल। गुड। गुलाब बताएंगे, मैं मैस्कुलिन बताऊंगा, तुम्हें फेमिनिन बताना है, मतलब मैं पुल्लिंग बोलूंगा, तुम्हें स्त्रीलिंग बताना है। तो सेठ का बताओ, कटोरा का, चूहा का, पीयूष तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, जाओ भाई तुम भी जाओ। चलो भाई, तुम लोगों के ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो 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 चलो, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल बाइक लेके भी निकल चुके हैं सराय की तरफ, थोड़ा बहुत कुछ खाने जा रहे हैं, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में चाय नहीं बन पाई थी, तो फिर चने खा नहीं पाए, चक्कर में तो अभी जा रहे हैं, तो देखते हैं कुछ मिलेगा तो खा के आते हैं वापस। चलो भाई, ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं हॉस्टल की तरफ, ब्रेकफास्ट में कचौड़ी और पूड़ी मिल गई थी, तो फिलहाल चलते हैं, बस फर्स्ट पीरियड चल ही रहा होगा, 10-15 मिनट निकल गए। फाइनली क्लास के बाद लंच हो गया था, तो फिलहाल हॉस्टल वालों ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, तो फिलहाल अभी भी लंच चल रहा है, 3-4 मिनट रह गए, इसके बाद लंच ओवर हो जाएगा, फिर क्लासेस चलेंगी। आज 5th पीरियड के बाद, नहीं सॉरी सॉरी, आज भी 4th पीरियड के बाद ही लंच हुआ, इससे पहले 5th पीरियड के बाद होता था, अब 4th पीरियड के बाद होने लगा, तो अब इसके बाद 5th पीरियड लगेगा, तो 4th पीरियड मेरा 8th क्लास में ही था और 5th भी है उसी में। और इधर बच्चे खेलते हुए, तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहे, और जो ये बड़े बड़े गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, ये सब हिंदी मीडियम वाले हैं। तो लंच फाइनली ओवर हो चुका है, तो ये रहा क्लास 7 और 8। बाहर चलोगे? चलो। तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और फाइनली छुट्टी हो चुकी है, कपड़े वगैरह उतार लो और करो रेस्ट, ठीक। शाम के 4:15 हो रहे हैं और फाइनली रेस्ट करके उठ गए हैं, तो सो गए थे आज। वैसे मेरी आदत है कि मैं दिन में सोता नहीं हूँ, अगर तबीयत ख़राब हो या रात में बहुत ज़्यादा जागे हुए हों तभी सोते हैं, तो हाँ जागे ही थे, आज एडिटिंग करी थी रात में 3 बजे उठकर, शाम को थोड़ा क्रिकेट मैच वगैरह आ रहा था वो देखते रहे, तो उसमें बिजी रहा, मैच भी पूरा नहीं देख पाया, पता नहीं कब सो गए, तो फिर 3 बजे उठ करके और 4:30 बजे तक जागे होंगे, तो उस चक्कर में हो सकता है नींद आ गई होगी। बच्चे फ़िलहाल गेम भी खेलने लगे हैं, तो ये सभी हॉस्टल वाले ही हैं, तो ये रेजिडेंशियल स्कूल है, यहीं रुकते हैं बच्चे, कुछ ऊपर घूम रहे हैं कुछ नीचे हैं, क्या करने आए? अच्छा खेल लेते, तो खेलते अच्छा ही नहीं लगा। क्यों, ठंड लग रही, सरदर्द हो रहा? अच्छा, ठंड की वजह से हो सकता है सरदर्द हो रहा हो। आज इतनी ज़्यादा सर्दी है कि धीरे धीरे पेट में दर्द होने लगा है, वैसे महसूस नहीं हो रही है कि सर्दी है या नहीं है, क्योंकि कोहरा भी नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिन में ही पाला पड़ना स्टार्ट हो गया है, तो मतलब एक दो बच्चे भी कह रहे थे कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, सर्दी लग रही है, और जब मुझे ही महसूस हो रहा है तो बच्चों को भी हो रहा होगा, तो बिल्कुल पेट में दर्द हो रहा है सोच लो धीरे धीरे। और यही ऐसी सर्दी होती है जो बहुत भयंकर होती है, इसी सर्दी का बचाव करना चाहिए, तो यहाँ भी बच्चों से बोली देंगे कि कपड़े पहनो गर्म और कैप वैप लगाओ, और आप लोग देख रहे हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को भी बता दें, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बताए दे रहे हैं कि हाँ इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आपके यहाँ भी पड़ रही होगी, तो आप लोगों को भी सुरक्षा करनी चाहिए। क्या कैच करने वाला खेल रहे हो?
कैप लगा के रखो, बहुत सर्दी है। ठीक, हाँ कपड़े ही पहन लो, ऐसे घूम रहे हो, कपड़े पहने रखो, कैप लगा के रखो, बहुत सर्दी है। लगाओ कैप, तुम भी लगाओ, तू कपड़े नहीं पहने हो, बहुत पिटोगे। क्या ढूंढ रहे? अच्छा बॉल आई, इधर चल रही है गर्ल्स की कबड्डी। किस पे चढ़ गई ज़्यादा? इन पे। अच्छा उन पे, ले झूठ कह रही हो, इन्हीं दोनों पे चढ़ती हैं रोज़ हैं? तो एक कर लो उधर कर लो, तुम रहती कहो दो लोग, देने जाओ, कौन देने जाएगा? किंजल, ए दूर तक जाओ, दूर तक जाया करो, दूर तक जाओ, दूर तक चलो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, तभी उन पे चढ़ी है, तुम पास जाती हो, वो दूर जाती होंगी। इधर चल रहा है क्रिकेट मैच, सबसे अलग गेम, वैसे सभी लोग सेम गेम खेल रहे हैं, ये उठा के मारा और कैसा हो रहा है, ऑल आउट है, ऑल आउट। अच्छा तो आउट करना है और वन टिप वन हैंड भी है, लेकिन बोल्ड वाला कुछ है ही नहीं, सिस्टम स्टंप नहीं है। अच्छा कैच ही ले सकते हो, भाई तुम्हारा गेम तुम जानो रूल कैसे हैं, हमें क्या पता। अगली बार शिव कुमार बॉलर है, बैट्समैन है कुंदन, तो शिव कुमार अगली बार क्या, ओ ले लिया कैच, आउट हो गए तुम भाई। अच्छा जो आउट करेगा वो खेलेगा। अच्छा अब शिव कुमार खेलेंगे, बॉलिंग कराएंगे मानसूपाल, चलो कराओ। हाँ तुम गए, हमें लग रहा पहली बार हम गए, लो गए 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 गए, आउट हो गए। हिमांशुपाल ने पहली बार पे आउट कर दिया भाई, अब हिमांशुपाल खेलेंगे और बॉलिंग करा रहे हैं खुद शिव कुमार। क्या जितने भी बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे ना तो कैप लगाए हैं, ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहने हैं, तो ये भी बात सही है कि खेलते वक्त ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। तो ये देखो कपड़े नहीं पहने, ये तो तीनों नहीं पहने भाई, अच्छा सर्दी नहीं लगती। नहीं खेलते वक्त नहीं लगती, वैसे तो लगती होगी, लेकिन खेलने के बाद तुरंत पहन लेना कपड़े। ठीक बच्चों टाइम हो गया है, आराम से जाओ, हाथ पर धुलो, पहुंचो असेंबली के लिए। असेंबली ओवर हो चुकी है, किसी को दिक्कत है किसी भी प्रकार की? बताओ, स्लीपर नहीं है, चलो मंगवा देंगे, हमने तुमसे कहा बताओ हम ही ले आए, तुमने मना कर दिया, सर से बोल देना वो ले आएंगे। ठीक इधर डिनर चालू हो गया है, क्या बनाया? अरहर की दाल है, सही लग रही पक्का? तो फाइनली पैकिंग वगैरह करके निकल चुके हैं घर की तरफ, तो यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 4 से 5 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ से सीधा चलेंगे शंखसा तिराहे से होते हुए शंखसा गांव, अड़रा कटरा कलवापुर होते हुए सीधा फिर गांव आ। What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue.